हेलो मेरे भाई दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस तुम्हारा भाई चुका है कमल कुरेश। आप इस एंड गाइस इस वाले वीडियो में बात करने वाले कि हमारा जो लेटेस्ट हमारा न्यू अपडेट आया iOS 18.1.1 क्या आपको अपडेट करना चाहिए और वो अपडेट करने से गेम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब गेम कैसा चल रहा है, बैटरी कितना ड्रेन हो रहा है, वो सब मैं आगे आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरा देख लेना एंड हाँ, चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि चैनल हमारा काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखा देना एंड आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। अपन 1700 सब्सक्राइबर से बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोज है, तो प्लीज़ करना तो गाइस कर ही सकते हमारे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ। तो चलो बात करते दो गाइस, अपडेट का साइज था कुछ 260 MB इतना ही कुछ साइज था, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। एंड देखो इससे पहले वाला जो अपडेट था वो मतलब अच्छा था। अब आपको पता चली गया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वाला अपडेट करने के बाद ना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है एंड बैटरी ड्रेन भी हो रहा है। मतलब पहले वाले अपडेट में बैटरी ड्रेन हो रहा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, इस वाले अपडेट में कुछ ज़्यादा ही बैटरी ड्रेन हो रहा है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपडेट मत ही करना क्योंकि बैटरी ड्रेन ज़्यादा हो रहा है, हीट भी ज़्यादा कर रहा है, तो अपडेट मत करना। बाकी लैग वैग तो कुछ हो नहीं रहा इतना ज़्यादा, ना ही गाइस फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है एंड गेम काफ़ी स्मूथ हो गया है इस अपडेट के बाद। जो हमारा 3.5 अपडेट आया उसके बाद गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, तो लैग मेरे को दिखने को नहीं मिलता इतना ज़्यादा। बाकी बैटरी ड्रेन हो रहा है एंड फ़ोन हीट कर रहा है ज़्यादा, तो iOS 18.1.1 मतलब अपडेट मत करना आपके लिए सही रहेगा। मैंने अपडेट कर लिया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आगे आपको दिखा भी दूंगा कि मैंने अपडेट कर लिया है। एंड देखो गाइस बैटरी ड्रेन से देखने जाए तो मतलब एक घंटा गेम खेलोगे 100% चार्ज करके तो मतलब एक घंटे में आपका जाएगा कुछ समझ लो 30% के अराउंड चला जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके खेलते हो तो। ऑफ रखोगे तो इतने ज़्यादा नहीं जाएगा, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। अपडेट मत करना क्योंकि फ़ोन हीट करेगा एंड बैटरी भी आपका ज़्यादा जाएगा। तो जो आपका अभी भी अपडेट है iOS 18.1 वही रहने दो, वो अच्छा अपडेट है वैसे। एंड चलो यही था आज की वीडियो में, मेक श्योर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं आगे आपको दिखा दूँगा कि मैंने अपडेट कर लिया है ना। हो सके तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके। तो चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।